नमस्कार दोस्तों, भारत में एक बड़ा ही अजीब सा काम हो गया है और हम बोल रहे थे कि न्यायपालिका को चेंज करना है। ये ढोलकियाँ, ये पैसे लेकर जो जजमेंट देती हैं, ये बोलते हैं कि हमारे ना आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी नहीं बंधी, पट्टी को साइड पर करके ऐसे देखते हैं कि सामने मुसलमान है तो जजमेंट क्या देनी है, कोई कॉकरोच है यानी कि कोई रेपिस्ट है, कोई टेररिस्ट है तो जजमेंट क्या देनी है, केजरीवाल हो वो कांग्रेस की कोई भी गंदी पार्टी के कोई भी आदमी हो उनको जजमेंट क्या देनी है, और हिंदू हो तो डेट नहीं मिलती। हमने बोला था कि न्यायपालिका को चेंज करना है और मोदी जी ने सब कुछ चेंज कर दिया। और भाई नया सिंबल आ गया है हमारी जस्टिस वाली, जो लेडी खड़ी होती है एक हाथ में तलवार जो हमारी हिंदुओं के गर्दन पे लगती थी, और दूसरी तरफ पे एक तराजू था जो दिखाते थे कि बैलेंस है। बैलेंस इसलिए था कि एक तरफ मोमिन बैठेगा, दूसरी तरफ पैसे पड़ेंगे और जिसका भार ज़्यादा होगा उधर जजमेंट मिल जाएगी। और जितने भी करप्शन वाले लोग थे वो भी एक तरफ केजरीवाल बैठता था, दूसरी तरफ पैसे डालकर जब बैलेंस होता था तो उसको बिना मांगे बेल मिलती थी। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने तलवार को निकाल दिया कि भाई अब हम तलवार नहीं चलाएंगे, और दूसरी तरफ तराजू था, तराजू को ख़त्म कर दिया या रख दिया है वहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब जजमेंट्स होंगी भारत में, और जो पट्टी थी पट्टी भी निकाल दी। ये जो लेडी जिसको लेडी जस्टिस बोला जाता था इसे अब दोबारा से चेंज कर दिया गया है। सेंचुरीज ओल्ड सिंबलिज्म था ये गोरों का बनाया हुआ, और ये एक वो थी कि ये एक इमेज है कल्चरली ग्राउंडेड न्यू भारत की, कि जो ट्रेडिशनल लेडी है ब्राइंड फोल्ड वाली, हाथ में तलवार वाली और दूसरी तरफ स्केल वाली, सेंचुरीज बोल रहा हूँ मैं, आज की नहीं है, ख़त्म कर दिया इसको या ख़त्म होने वाली है। लेकिन मुझे ये बताइए कि भारत जैसे कंट्री, अब लोग बोल रहे हैं पट्टी उतार दी, अब तुम सामने आदमी को देखकर उसके हिसाब से जजमेंट देंगे, पहले कौन सा कोई जो है आंखें बंद कर ये जजमेंट दिए जाते थे, आपके जेब में कितने पैसे हैं और सामने कौन सी कम्युनिटी का आदमी खड़ा है उसके हिसाब से आपको जजमेंट मिलती थी। ये कॉलोनियल सिस्टम से लेकर अब तक ऐसा ही काम चलता रहा, और कांग्रेस ने इसके अंदर पूरा घी का काम किया इस आग में। आज जब हमने पट्टियां उतार दी हैं, और किया भी किसने है, जिसके खुद की आंखों पे पट्टी बंधी है चंद्रचूड़ के, उसने अनवील किया है इस नई देवी का। अब क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले हम छुपकर पैसे लेते थे क्योंकि आंखों पे पट्टियां थी, अब तो हम खुलेआम पैसे लेंगे क्योंकि हमने आंखों के ऊपर से पट्टी ही उतार दी है, या इसमें कुछ और चेंज होने वाला है? जैसे भारत इवॉल्व कर रहा है वैसे जजमेंट्स भी इवॉल्व होंगे। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर अभी काज नहीं गिरी है दोस्तों, चिंता मत कीजिए, हमने सीधा न्याय की देवी के ऊपर हाथ डाल दिया, तेरी पट्टियां उतार दी, तलवार घेम फेंक दी, अब तुम्हें आंखें खोलकर जजमेंट देनी पड़ेगी, आंखें बंद कर जजमेंट तुम नहीं दे सकती। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है कि भाई तुम्हारी पट्टियां उतार दी हैं, आंखें खोली हैं और तुम्हें पूरी दुनिया को स्कैन करना पड़ेगा अपने सामने, आंखें खोलकर जजमेंट देनी पड़ेगी, या ये सिर्फ एक एस्थेटिक चेंज है, एक लेडी के हाथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया? दोस्तों मुझे लगता है ये डेलिब्रेट मूव है सेंचुरीज ओल्ड जुडिशल सिस्टम को चेंज करने का। ये जो ब्लाइंड फोल्ड था इसका जो एक्चुअल मीनिंग था वो था न्यूट्रल, कि मेरे सामने कोई भी आएगा मैं नहीं देखूंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आप देखिए, जो भारत है जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है उससे पहले भी हमें जस्टिस मिलता ही नहीं था। मिलता किसको था? जस्टिस वॉज ब्लाइंडेड इन फ्रंट ऑफ पैसे वाले लोग। कास्ट की ऑपरेशन यहाँ पर होती रही, जेंडर इनइक्वालिटीज हमने देखी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, गरीबों को तो यहाँ पर जस्टिस मिलती ही नहीं है। लेकिन अब ये बोलना शुरू कर दिया कि जस्टिस हैज़ टू सी, उसको देखना भी पड़ेगा और जस्टिस देनी भी पड़ेगी। और ये जो बिहाइंड द डोर्स बैठकर ये जस्टिस देते थे, सामने दिखाते थे कि भैया हम बड़े न्यूट्रल हैं, और जो डील्स हैं वो पीछे जो चैम्बर है उसमें बैठकर होती थी, मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ जस्टिस नहीं मिली है इन इनजस्टिस वाले करप्ट जजेस की तरफ से। अब इन्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, इन इक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। मोदी जी ने छोटा काम नहीं किया है, ये बहुत बड़ी एक मूव है, और करवाई भी इन सब ठगों के सरबरा से जो चंद्रचूड़ है। अब आप सोचिए, देखिए अब हम कब तक प्रटेंड करते रहेंगे कि इस देश में जस्टिस मिल रही है, यहाँ पर गरीब हो अमीर हो फर्क नहीं पड़ता, पावरफुल हो या नॉन पावरफुल आदमी हो,
क्या हमने नहीं देखा कि यहाँ पर गरीबों को तो डेट नहीं मिलती और अमीर को पहले दिन, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई, जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया। क्या जो लेडीज जस्टिस है इसकी आंखें नहीं खुली होनी चाहिए थी? ये जो नया एरा है, जो भारत तरक्की कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ब्लैक स्पॉट था वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम था, और हमारी सोसाइटी को इन्होंने खोखला कर दिया इन बिके हुए जजेस की तरफ से। अब ये जो पैसिव फोर्स नहीं रहेगी, इन्हें एंगेज करना पड़ेगा और इन्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले लॉज भी चेंज हो गए हैं कि इतने इतने टाइम में आपको जजमेंट देनी पड़ेगी, आप डेट पे डेट पैसे लेकर आप नहीं दे सकते। और दोस्तों, जो तलवार हटाई है, तलवार को हटा दिया, यानी कि ये पावर ऑफ फोर्स नहीं होगा, पावर ऑफ लॉ होगा, क्योंकि हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर कोई चीज़ हुई है वो है तलवार को निकालना। कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है एक शिफ्ट की, फोर्स से नहीं अब लॉ से कैसे जजमेंट दी जाएंगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है उसके हिसाब से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है कि कोई रेपिस्ट है, 12 साल के कम की लड़की का रेप किया है, फांसी। क्या अब जैसे सऊदी अरेबिया में होता है, क्या यहाँ पर भारत में भी फांसियों का टाइम शुरू होगा? ये वक्त बताएगा। और ये जो बिके हुए जजेस हैं जो बोलते हैं हमें जो ठीक लगा हमने जजमेंट उसके हिसाब से दे दिया, अब ये वो काम नहीं कर पाएंगे। ये ओल्ड वर्ल्ड का सिस्टम था तलवार वाला, ये पावर दिखाता था पनिश करने के लिए, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, वायलेंस को प्रमोट करता था। लेकिन जो न्यू लेडी जस्टिस है ये माइटियर भी है, निष्पक्ष भी है और डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेगी। दिस इज नॉट बाई एक्सीडेंट दोस्तों, कि बाई चांस वो खड़ी थी, उसके आंखों से पट्टी उतर गई, स्वॉर्ड हाथ से गिर गई, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ये भारत की नई स्ट्रेंथ है, ये लीगल फाउंडेशन को चेंज करने का सिस्टम है। अभी तो 400 पार हुआ होता तो ये इम्पीच भी हुआ था चंद्रचूड़। अभी दिवाली पे बोलना, देखना पटाखे मत बजाना, और आपको इसके पिछवाड़े में पटाखे डालकर फोड़ने ही फोड़ने हैं जैसे लास्ट टाइम किया था। मुझे लगता है कि जैसे हिजबुल्ला के लोगों के पेजर फट गए थे, इसका भी कुछ ना कुछ फटने वाला है इस बार। और ये नया भारत है, अब हम भी चुप नहीं रहेंगे जब तक ये करप्ट लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती। दोस्तों, ये कोई छोटी मूव नहीं है जो मोदी जी ने करी है, क्योंकि पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक आदमी को, वो गरीब हो, पावरफुल हो या अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता, दे विल हैव टू गेट फेयर इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। मैसेज बड़ा क्लियर है, अब हम कोई भी चीज़ को सहन नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। और पूरा वर्ल्ड का स्टेज जो है इंडिया की इस डेक्लोरेशन को वो देख रहा है कि भाई दिस इज कॉल्ड लीगल विजडम। पूरे दुनिया में जो जजमेंट्स हैं वो पैसे लेकर दी जाती हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं है, क्योंकि लिब्रांडुओं ने पूरा लीगल सिस्टम को अपने कब्जे में किया हुआ है। अब भारत ने पहल करी है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये स्टेटमेंट है दुनिया को कि अगर अपनी कंट्री को चलाना है तो आपको इन जजेस के नीचे दबने की ज़रूरत नहीं है। न्याय है, न्याय आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। हम सिर्फ रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम रीडिफाइन कर रहे हैं पूरे जस्टिस सिस्टम को, अपना ही नहीं पूरे दुनिया को भी राह दिखाने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज जस्टिस। और हमने अपने जो सनातन है उसको भी ढक के रखा हुआ है, क्योंकि लेडी क्या, हमने कोई बुरका नहीं डाला, उसको साड़ी रखी है, उसकी साड़ी को चेंज नहीं किया है, यानी कि हमने अपनी ट्रेडिशन को, जो न्याय की देवी है उसको भी रखा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी रखा और तराजू भी रखा, और लेडी जस्टिस को वेस्टर्न कपड़ों के बजाय भारत के कपड़े डालकर, भारत के हिसाब से जहाँ पर इतनी डिविजन्स हैं उसको नज़र रखते हुए अब हमें अपनी जजमेंट देनी पड़ेगी। ये कलोलियन सिस्टम ये नहीं चलेगा, ये लेगेसीज को हमने ख़त्म कर दिया। सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और ये सिंपल एक चीज़ हमारी न्यायपालिका को चेंज करने वाली है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने पूरा न्याय सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया, और भाई न्याय की देवी को उखाड़ कर फेंक दिया, बाकी क्या रह गया, अब चंद्रचूड़ को जजमेंट देनी पड़ेगी, हिंदू को भी, अब मुसलमान को तो देता ही है, वो तो पैसे लेकर वो करते ही रहेंगे। अब आपको लगेगा यार साड़ी से फ़र्क क्या पड़ता है, बुरका डाल देते फिर आपको पता लग जाता कि बुरका डाला है किसकी फेवर में जजमेंट्स आएंगी, वो तो पहले भी आती थी। यानी कि अब
साड़ी है तो साड़ी के हिसाब से जो पूरे देश के लोग हैं उनको जजमेंट मिलेगा, हमें भी मिलेगा पहली बार 1000 साल के बाद हिंदुओं को जस्टिस सिस्टम में हमें न्याय मिलने की अब उम्मीद है। और ये फॉरेन के लोग हैं, उन्होंने हाई दुहाई करनी शुरू कर दी कि देखिए मोदी जी ने पट्टियाँ उतार दी हैं, ये यानी कि अब इनजस्टिस करने वाले हैं, जैसे कि हमें पहले बड़ी जस्टिस मिल रही थी अपने ही देश में। तो यानी कि जो कॉलोनियल शैडो है उससे तो हम बाहर निकल गए और न्यू जस्टिस सिस्टम भी लागू हो गया। अब आगे होगा क्या? सबसे पहले तो ये है कि इन सभी ठगों का जो ठग था जिसको डाकू बोलते हैं चंद्रचूड ने ये काम किया है। आप ही में से एक आदमी ने लिख के भेजा मुझे कि चंद्रचूड डाकू ने ये सारे काम करवाए उसके हाथों से, लिब्रांडो का बॉस है वो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है कि कोई और इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपने ही अगर बॉस के खिलाफ आप बोलेंगे तो इनका भी पर्दाफाश होगा, इसलिए उसके हाथों से करवाना इतना ज़रूरी था। बाबा जी जो मोदी जी हैं वो ऐसे ही बप्पा मोरिया के जो दर्शन थे गणेश चतुर्थी पे, उनके घर में आरती करने नहीं गए थे। अब आप समझ गए कि अगर कोई चीज़ को उखाड़ कर फेंकना हो, लिब्रांडों की जलानी हो, तो एक काम कीजिए, हिंदुओं के त्यौहारों पर इनके घरों में जाइए, वहाँ पर जाकर न्याय की देवी को ही उठाकर फेंक दीजिए, नया सिस्टम लेकर आइए। और यही चीज़ें हैं जो सिंबॉलिक होती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं। हमारे जयशंकर जी गए थे अभी चाइना में, पाकिस्तान में, चाइनीज़ को तो रिसीव करने आए, जयशंकर जी को रिसीव करने नहीं आए, और जयशंकर जी ने वहाँ पर ऐसी वाट लगाई है पाकिस्तानियों की वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। एयरफोर्स का प्लेन गया हमारा, उनकी धरती पे बूटा भी लगाया है हम लोग। ये सिंबलिज्म होती है, जब आपके कंट्री का कोई आदमी दूसरे कंट्री में जाकर बूटा लगाता है, इसका मतलब है हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये धरती अब मुझे बिलोंग करती है। ये राजे महाराजों का सिस्टम है, इसी को सिंबॉलिज्म बोला जाता है। और ये चीज़ मोदी जी से बेटर कोई और नहीं करता कि सिंबॉलिज्म ये क्या होती है। ये स्टैचू को चेंज करके आपको लगेगा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आप अगले एक साल में देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने पूरे नेशन को रीडिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यूज़ को रीडिफाइन कर दिया, अपनी प्लेस इन द दुनिया में आपने रिक्रिएट कर दी है। और ये नया सिंबल ये अपने लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए भी है कि अब हम भारत अपनी आइडेंटिटी को रीशेप करने वाले हैं, हम अपने वर्ल्ड स्टेज पे अपनी जो स्थान है उसको लेने वाले हैं। और ये हम मैसेज भी दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि जस्टिस इन न्यू भारत विल नॉट बी इग्नोर्ड। हम ना तो करप्शन वाले को सामने देखेंगे, ना सोशल इनजस्टिस होने देंगे, ना इनइक्वालिटी होने देंगे। हम रियलिटीज़ में अब काम करेंगे। आंखें खोल दी हमने, आंखें पहले बंद थी जस्टिस के लिए, अब हमने आंखें भी खोल दी हैं। और दोस्तों, क्या ये चीज़ जो करी है ये नहीं होनी चाहिए थी? क्या हिंदुओं को इस कंट्री में न्याय नहीं मिलना चाहिए था? यही चीज़ों के कारण मोदी जी ने सारा सिस्टम को चेंज किया है आपके लिए मेरे लिए। अगर 400 पार हुआ होता ये सारे ढोलकियाँ जेल में होती, केसेस चल रहे होते इनके ऊपर, इनकी प्रॉपर्टियों की लिस्ट उसके ऊपर होती वेबसाइट में, जो कॉलम खाली पड़े हैं। मैंने वीडियो बनाया था एक बार आप ही में से एक मनोज के साथ, जिसने बोला कि आई रियली वॉन्ट टू सी कि इनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, कितने पैसे हैं इनके पास, लेकिन इन्होंने बोल दिया हम अपनी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करेंगे। आपको डिक्लेयर करने का, आपको फोर्सफुली आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, वो पॉलिटिशियन हो आप हो, ये खुद नहीं करेंगे। क्यों? पैसे ही इतने कमाए हैं, क्या क्या बताएंगे कि किस किस से कितने कितने पैसे लिए एक एक जजमेंट देने के लिए। तो फाइनली वी आर सीइंग जस्टिस इन इंडिया विद ओपन आइज। अब मुझे जितनी खुशी है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।